बिस्मरम रहीम आप सबको वालेकुम सबका बहुत शुक्रिया खास तौर पे मुंतजमीन जिन्होंने बुलाया बात करने के लिए मुझे पॉइंट लिख के दिए हैं फिर पकड़ा जाएगा मेरे दोस्तों को पता चला वो रात को आ गए उन्होंने कहा लिख फिर ये लिख कर दिया उन्होंने पकड़ा जाएगा देखी जाएगी तो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इजहार की आजादी इजहार करो आजादी के साथ नहीं जबान तुम्हारी अल्फाज हमारे बोलो जरूर मगर हमारी मर्जी की बात यही है ना बहस साफियों को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कुछ समझते हैं कि यह वाली पॉलिटिकल पार्टी है या वाले बंदे अच्छे हैं ये आएंगे तो मेरे मुल्क को अच्छा चलाएंगे गद्दारी की बहस को थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं कुछ यह कहते हैं कि ये, वाली है, ये वाले बंदे अच्छे हैं ये वाले आएंगे तो मेरा मुल्क अच्छा चलेगा कुछ कहते हैं नहीं वो वाली पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है वो वाली आएगी तो मेरा मुल्क अच्छा चलेगा यही बहस है ना लेकिन यहां पे कुछ ऐसे ताकतवर और बड़े लोग हैं वो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमें इस वक्त ये वाली पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लग रही है तो तुम भी कहोगे ये वाली अच्छी है और हमें इस वक्त वो वाली पॉलिटिकल पार्टी बुरी लग रही है तो तुम भी कहोगे वो वाली बुरी है भाई सबकी अपनी अपनी राय है राय देने दीजिए राय के रस्ते में बंद मत बांधिए बंद नहीं रोक पाएगा मुमकिन नहीं है आप अल्फाज को बांध नहीं सकते आप ख्याल को कैद नहीं कर सकते आप हमारी सोच को जंजीरों के साथ नहीं जकड़ सकते आपसे नहीं होगा साहब आपने करके देख लिया क्या बदल लिया आपने नहीं होगा आपसे अभी मैं आपको बताता हूं मैं इससे नहीं बात कर रहा मैं अभी मैं आपको बताता हूं बुध वाले दिन मुझे टेलीफोन कॉल आई मंगल को नौ हराम को और मुझे मेरे चैनल की इंतजामिया ने बताया कि साहब बात यह है कि दो चीजों पर बात नहीं करनी आ, दस मुहर्रम था हाँ जी मंगल को दो चीजों पर बात नहीं करनी आपने अपने कल वाले प्रोग्राम में मैंने कहा जी किस पे बात नहीं करनी उन्होंने कहा ए आर वाई पे आप बात नहीं करेंगे और एक आप अपने टॉक शो के अंदर शहबाज गिल के ऊपर बात नहीं करेंगे तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं करूंगा भाई पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसके बारे में जानना चाहता है पाकिस्तान का सबसे मकबूल चैनल तुमने बंद कर दिया है मैं उस पर बात ही ना करूं उन्होंने कहा जी इंस्ट्रक्शन है कि इस पर बात नहीं करनी वरना कॉन्सिक्वेंसिस होंगे नतज भुगतने पड़ेंगे तो मैंने क्योंकि देखें काम तो आपने करना है नौकरी करनी है सहाफत आपने करनी है वहीं से आपका रिजक आता है आपके बच्चों को आप खाना खिलाते हैं तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है यह इंस्ट्रक्शन अगर सबके लिए है तो मैं फॉलो करूंगा चेक करो जियो के लिए चेक करो दुनिया के लिए है चेक करो समा के लिए है चेक करो 92 के लिए बाकी सबके लिए मैं फॉलो करूंगा तो मुझे उन्होंने बताया नहीं जी ये सिर्फ आपके लिए है इमरान रियाज ये बात नहीं करेगा बाकी जो मर्जी करे तो मैंने उस दिन एक कंप्रोमाइज कर लिया मैंने कहा ठीक है मैं कल का प्रोग्राम नहीं करूंगा प्रोग्राम ही नहीं करूंगा यानी वहां आकर बोलकर अपना जमीर बारने से अच्छा है मैं घर से जाऊं ही ना मैंने कहा आप कल अनाउंस कर दें कि मैं आज का प्रोग्राम नहीं कर रहा किसी मजबूरी की वजह से आप किसी और से करवा लें मंडे तक मामला बेहतर हो जाएंगे मैं मंडे को आ जाऊं मंडे को मैं गया प्रोग्राम करने के लिए मेरी टीम आती है वो कहते हैं सर वो प्रोग्राम बंद करवा दिया उन्होंने कैसे बंद हो गया उन्होंने कहा प्रोग्राम अब आप नहीं कर सकते आपको प्रोग्राम नहीं करने देंगे मैंने इंतजामिया से फोन किया जो करता धरता है उन सबसे बात की उन्होंने कहा जी हमें बहुत अफसोस है कि हमें आपका प्रोग्राम ऑफ एयर रखना पड़ेगा आप ऑन एयर नहीं जा सकते मैंने कहा जी कसूर कसूर क्या है बताओ उन्होंने कसूर कोई नहीं है आपके आठ प्रोग्राम हमने निकाले जो आपने यहां किए आठ के आठ का ट्रांसक्रिप्ट निकाला एक एक जुमला चेक किया एक एक लफ्ज के ऊपर बहस की और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आपने कुछ गलत नहीं किया कोई कानून कोई आइन कोई चीज हमने ब्रेक नहीं की इसके बावजूद प्रोग्राम बंद तो मैंने कहा पैमरा ने बंद किया है तो उन्होंने कहा पैमरा को तो पता भी नहीं है डूब के मर जाना चाहिए पैमरा को उनको पता भी नहीं है मेरा प्रोग्राम बंद हो रहा है यानी इसके ऊपर बंदा क्या कहे इनको वो कहते पैमरा को नहीं पता तो मैंने कहा फिर खोलो प्रोग्राम अगर पैमरा को नहीं पता तो कही धमकी दी है हमने चैनल भी चलाना है वहां चार हजार लोग काम करते हैं मैं अपनी जिद के लिए या तो अड़ जाता वहां पे सबकी नौकरी सबके चूल्हे बुझ जाते वहां पे मैं फिर घर आ गया चुप करके इतना ही कर सकता हूं मैं लेकिन ये कौन लोग हैं जो आवाज को बंद करना चाहते हैं मैं एक बात उनको बताना चाहता हूं जब मैं वहां से निकल रहा था ऑफिस से मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं उनकी आंखों में आंसू थे ये तकलीफ आपने उनको दी है वो आपसे कैसे प्यार करेंगे सोचो लोगों के दिलों में प्यार पैदा कर रहे हो या नफरत सोचो लोग आपसे शिकवा करेंगे गिला करेंगे खुदा खास्ता नफरत करेंगे सोचो इस बात को वो जो लोग जिन्होंने मुझे आके गाड़ी तक छोड़ा उनकी आंखों में आंसू थे मैंने खुद देखे कब तक रुलाएंगे आप लोगों को कब तक तकलीफ देंगे और कभी कोई किसी को कुछ पॉलिटिकल हुए कभी किसी को बंद नहीं करती कर नहीं सकती मैं गवाऊं इस बात का इमरान खान के दौर के अंदर किसी साफी को इन्होंने बंद नहीं किया वो जो सबसे बड़ा टाउट है ना वो सबसे पहले उछल उछल के छलांगे मार मार के कहता था इमरान खान की क्या जरूरत है मुझे बंद करे मुझे तो बंद किया किसी और ने जिस वक्त वहां जाके पांच चाट लिए मिन्नत कर ली तो कहना शुरू हो गया मुझे तो इमरान खान ने बंद किया था वो फिटे मु तुम्हारी सहाफत के ऊपर किसी एक बात के ऊपर तो खड़े हो जाओ यार और ऐसा आदमी है मेरी जिंदगी के साथ खेला है एक पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे दो क्लिप पकड़े और उनको अजीब तरीके से जोड़ के इसको दे दिया इसने टेरिबल लिख के उसको ट्वीट किया मुझे एक दिन में बारह थ्रेट कॉल्स आई हैं मुझे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि तुझे और तेरे बच्चों को मार देंगे मैं फिर भी इसी मुल्क के अंदर रहता था और जब इस आदमी से पूछा गया सहाफियों ने पूछा यह समी भाई बैठे हैं कि तूने क्यों उसको मरवाने का बंदोबस्त किया तो हंस के टाल देता है और आज वो सहापत का चैंपियन बना बैठा झूठ बोलते हैं सब फ्रॉड करते हैं सब ये कहते हैं कि हमने जब मुतियुल्ला जान को मार पड़ी हमने बात नहीं की ये कहते हैं वो बच्चे को जब घर के अंदर मारा हमने बात नहीं की ये कहते हैं जब अफसार आलम को गोली मारी हामदी को हमने बात नहीं की मैं अपने मोबाइल फोन के अंदर सारे क्लिप निकाल कर लाया हूं चैलेंज करता हूं आप सारों को जितने लोग यहां मौजूद हैं देख कर जाना एक एक को दिखाऊंगा कैसे मुजम्मत की थी लाइन क्रॉस करके मुजम्मत की थी इतनी मुजम्मत की थी कि मुझे उसका खुमियाजाबाद में भुगतना पड़ा था मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसिस उस दौर में भी बर्दाश्त किए थे इनके लिए आवाज उठाई थी आज वो कहते हैं तुम उस पर खुश थे आज हम खुश हैं मनाओ खुशियां अभी मैं इस्लामाबाद आ रहा था मुझे कह रहे थे कि तू ना तुझे हम पकड़ेंगे तू इधर आएगा तुझे हम पकड़ेंगे मेरा मुल्क है ये पहले कहते थे पंजाब ना जाओ कभी कहते हैं इस्लामाबाद ना जाओ कभी कहते हैं वहां छुप जाओ क्यों क्यों छुपे मेरा मुल्क है जहां दिल करेगा जाऊंगा जिससे दिल करेगा मिलूंगा जो दिल करेगा वो बोलूंगा इस्लामाबाद मत आओ पकड़े जाओगे पकड़ो ना जल्दी पकड़ो निशाने व्रत बनाओ मुझे इनको भी बनाओ सारों को हम पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम पकड़ो हमें हमें बं बंद करो तुम्हारा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा हमें बंद करो बिजली सस्ती मिलेगी हमारी जुबान बंद करो हमें निशाने व्रत बनाओ तुम्हें गैस सस्ती मिलेगी तुम्हारी महंगाई खत्म हो जाएगी तुम्हारा डॉलर सौ रुपए का हो जाएगा पकड़ो हमें इसलिए पकड़ना है ना ये बातें हम बताते हैं बात करने पर पाबंदी है एक छोटी सी चीज में आपको तवज्जो दिलाता हूं ये कहते हैं ना कि हम किसी एजेंडा पर काम कर रहे हैं एक लिटमस टेस्ट होता है जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनको पता है कि वो नीला या लाल हो जाता है फौरन आपको पता चल जाता है कि यहां पे तेजाब है या साहस है मैं आपको अभी साबित कर देता हूं एक मिनट में साबिर शाकिर गद्दार है ना गद्दारी का पर्चा उस पर बगावत वो भी गद्दार है अरशद शरीफ ये दो तीन गद्दार सामने बैठे हुए हैं मैं भी गद्दार हूं आपने हमारे साथ क्या नहीं किया पर्चे किए सड़कों पे मारा थानों में मारा हमें बंद रखा हमें घसीटते रहे जगाते रहे बेल्टों से मारते रहे कभी कोई एक टेलीफोन आया आपको पूरी दुनिया से इस शहर में कितनी अम्बेसिज हैं किसी एक ने आपको कहा कि क्यों मार रहे हो किसी एक ने मुजम्मत की हो कभी कोई बैन अवी तारा बोला हमारे लिए नहीं बोला नहीं बोलेगा क्योंकि हम उनका एसेट नहीं है हम तुम्हारा एसेट है ना तुम्हारे लिए कोई बोलेगा ना हमारे लिए कोई बोलेगा ना वो लोग तुम्हारे लिए कभी बोले ना वो लोग हमारे लिए कभी बोलेंगे मैं फिर बता रहा हूं हम उनका एसेट नहीं है हम इस मट्टी का एसेट है लगाओ उनके किसी आदमी को हाथ ऐसे उंगली लगाओगे अलार्म बजेंगे उंगली लगाओगे चीखों की आवाजें आएंगी उंगली लगाओगे बैन अवी इदारे और बैन अल्कवामी सतह के ऊपर आवाजें उठेंगी क्योंकि वो उनके एसेट हैं वो उनका असासा है वो उनसे काम लेते हैं आज वो आपकी आंखों का तारा बन रहे हैं ना आपको दिन में तारे ना इन्होंने दिखाए तो मुझे कहिएगा यही लोग आपको दिन में तारे दिखाएंगे फिर आपको हम याद आएंगे और याद रखना ऐसे ही डट के खड़े होंगे जैसे आज खड़े हैं। आपके सामने भी चट्टान की तरह हमें पकड़ने से अगर किसी की जिद को और अना को तस्कीन मिलती है ना तो पकड़ो फिर लेकिन इस पाकिस्तान का कोई भला आप नहीं करने जा रहे हमें डराएंगे धमकाएंगे पकड़ेंगे मारेंगे लेकिन आपको हमारे मुंह से वो कभी सुनाई नहीं देगा जो आप चाहते हैं हम जब बोलेंगे वही बोलेंगे जो हम हमेशा बोलते रहे हैं पाकिस्तान ना। पाकिस्तान ना। यही बोलेंगे